आज मैं जिस महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कोई आम महिला नहीं है। उस महिला के वीडियोस आपने कभी न कभी देखे होंगे या उनके बारे में कभी न कभी सुना होगा। वो एक ऐसी महिला है जिनके बारे में आप पब्लिकली बात नहीं कर सकते, आपको एक अलग नजरिए से देखा जाएगा। फिर उस महिला ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। मैं बात कर रही हूँ पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री की फेमस पॉर्न एक्ट्रेस मिया खलीफा की। इन दिनों उनका एक इंटरव्यू का क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो ब्लू फिल्म इंडस्ट्री का काला सच बताते हुए नजर आ रही है। आइए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। मिया खलीफा एक ऐसा नाम है जिसको यंगस्टर्स जानते होंगे। वो सेंसेशनल भी रही और कॉन्ट्रोवर्शियल भी रही। ये मैं दोनों शब्दों का यूज क्यों कर रही हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। मिया खलीफा की जर्नी काफी रोलर कोस्टर राइड रही है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्लू फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ बर्ताव होता था, किस तरीके से उनको उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता था, किस तरीके से लोगों को लगता था कि वो बिलियंस में कमा रही हैं, लेकिन दरअसल एक्चुअल में उस दौरान उनकी कमाई कितनी थी। मिया खलीफा ने कुछ वक्त पहले ट्विटर पर एक अपने इंटरव्यू का टीजर शेयर किया था जिसमें उन्होंने इस लाइन का जिक्र किया था कि उनको सालाना $12,000 मिलते थे। $12,000 को अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो वो करीब 8-8.5 लाख रुपए हुए जाके, यानी कि साल में उनको 8-8.5 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन उस वक्त उनके जो फैंस थे, जो दर्शक थे, उनको लगता था कि मिया बिलियंस में कमा रही है और वो दर्शकों से उनकी सिंपैथी पाने के लिए झूठ बोल रही है। दरअसल उनको जो उनके फैंस थे, जो उनके दर्शक थे, वो कमेंट सेक्शन में इस तरीके के कमेंट कर रहे थे कि मिया अपनी छवि साफ करने के लिए ये सारा जो भी दाग है अब वो ब्लू फिल्म इंडस्ट्री पर डालना चाहती हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके लिए इस इंडस्ट्री से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब शुरुआती वीडियो में मैंने दिन जो शब्दों का जिक्र किया था, एक सेंसेशन और दूसरा कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों किया था, अब मैं आपको बताती हूँ। सेंसेशनल इसलिए क्योंकि वो यूथ के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर थी और आज के यूथ के बीच भी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि अब वो पॉर्न स्टार नहीं है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया है, माफ कीजिएगा, ब्लू फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया है, काफी वक्त हो गया है। अब वो मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करवाती हैं, वो कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट में नजर आती हैं, उनको खेलों का बड़ा ही लगाव है। कभी हॉकी के मैच में उनको देखा जाता है तो कभी हॉर्स राइडिंग में उनको देखा जाता है सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को, और सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं। एक तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी वो बन गई है। इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, 27.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं मिया के। इसी के साथ वो देश और दुनिया में फेमस है, एशिया हो चाहे यूरोप हो चाहे यूनाइटेड स्टेट हो, हर जगह उनकी पॉपुलरिटी कायम है। तो ये तो हो गया उनके सेंसेशनल होने का रीजन। अब कंट्रोवर्शियल मैंने क्यों कहा, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। दरअसल मिया के जब शुरुआती वीडियोस आते थे, उनकी ब्लू फिल्म इंडस्ट्री से जब वो वीडियोस अपलोड या रिलीज किए जाते थे तो उस वक्त उनके वीडियोस बुरखा पहने हुए आते थे। उस वक्त ये बताया जाता था कि वो एक विशेष धर्म को टारगेट कर रही है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मिया अपने इंटरव्यू में खुद बताती है कि किस तरीके से उनको जान से मारने की धमकी दिया मिला करती थी उस वक्त, और लाखों में मेल्स आया करते थे उनको, हजारों में नहीं लाखों में मेल्स आया करते थे उनको, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इसी के साथ वो बताती है कि उनके हक का जो पैसा था वो ब्लू फिल्म इंडस्ट्री में जो उनके वीडियोज के जो डायरेक्टर होते थे, जो प्रोड्यूसर होते थे, वो आधा पैसा मार दिया करते थे, उनको उनका पूरा पेमेंट नहीं मिलता था, जिस वजह से उन्होंने इस इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया। उन्होंने बताया कि उनके लिए ये सब करना आसान नहीं था, लेकिन इसके साथ ही उनके जो दर्शक थे, जो फैंस थे, उनको भी उन पर भरोसा नहीं था। लोगों को लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ साफ छवि पाने के लिए ये सारी बातें बरगलाने के लिए कर रही है, लेकिन वो बताती है कि दरअसल ये उनके जीवन का कड़वा सच था और उस एक पहचान को पीछे छोड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था और आज भी है, क्योंकि आज भी वो भले ही एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, भले ही वो कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करती हो या फिर उसमें नजर आती हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो एक छवि बनी हुई है उसको आज भी लोग उसी छवि से उनको जानते हैं। तो आप मिया खलीफा के इस स्ट्रगल के बारे में या फिर हम कहें इस छवि के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और भी वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।